यूट्यूब के सभी बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित चौहान सिंह ऑर्चर्ड जखार से। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं रूट बोरर के लिए दवा बनाने जा रहा हूं, उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम रूट बोरर को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। हर एक बागवान भाई से अनुरोध है, जिसको रूट बोरर की शिकायत है वो इसको प्रैक्टिकल आजमाए और इसके रिजल्ट मेरे हिसाब से जो मैंने प्रैक्टिकल किया है 100% है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसकी विधि क्या क्या है, दिखाइए। सबसे पहले ये चूल्हा, चूल्हे पे पतीला लगाइए, गौमूत्र डालिए। ये गौमूत्र दोस्तों, ये लगभग 15 लीटर का है गौमूत्र। ये गौमूत्र डाल दिया है, ये मिर्चे पीसी हुई, ये पीसी हुई मिर्चे, लाल मिर्च, हाँ ये डालिए। ये आधा किलो मिर्चे, जबकि इसके लिए हम हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हरी मिर्च का सीजन आजकल नहीं है, तो हरी मिर्च में जो तीखापन है वो कम है, इसलिए हमने अपनी लोकल मिर्चे, ये भी आधा किलो मिर्चे पीस के हमने इसमें डाल दी। चलो ये दोस्तों लहसुन पीसा हुआ लहसुन, ये लहसुन हम इस तरह से इसको इसमें डाल देंगे। ये नीम ऑयल, ये देख सकते हैं आप, नीम ऑयल, ये नीम ऑयल खोलो डालो। ये दोस्तों बहुत ही इससे बचिए, क्योंकि आज मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने मुंह अपना नहीं ढका है, नहीं तो इसमें इतनी गंदी गैसेस होती है जो अपने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो हम देखिए नीम ऑयल डालेंगे इसमें लगभग ये इतना, मतलब 50 ml के करीब, 100 ml के करीब करीब, 100 ml के करीब करीब हमने इसमें नीम ऑयल डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से हिला दिया है। अब ये तंबाकू पंछी छाप खाते हैं, असल तो इसके लिए दोस्तों तंबाकू के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते तंबाकू के, अगर वो हो तो वो बहुत ही बेहतरीन है इसके लिए, दवा के लिए। अगर नहीं भी हो तो भी आप जो है ये जर्दा को इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ये भी लगभग 2 पैकेट। ये हमने इसमें सारा मिक्सचर डाल के अब इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है। ये अच्छी तरह हिलाने के बाद 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह हमने बॉयल करना है। ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसको बॉयल करना है। इसमें स्मेल इतनी जबरदस्त है दोस्तों कि इसकी स्मेल जो है नजदीक से नहीं ले सकते, बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती है इसमें। ये लगभग 15 लीटर होगा, ये जो है एक ड्रम में 5 लीटर, अगर 5 लीटर 200 लीटर ड्रम में, 200 लीटर के ड्रम में ये पड़ेगा दवाई जो हमने बनाई है, ये पड़ेगी 5 लीटर।
5 लीटर डालना है पर पेड़, जो इसका डोज रहेगा वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द ट्री हाइट। जैसे कि रॉयल है, रॉयल हमारे पास अगर बड़े बड़े रॉयल है उसमें बोरर की शिकायत है, तो उसको अच्छी तरह से उसकी ड्रेंचिंग जड़े उसकी थोड़ी सी काफी गहराई तक उसकी जड़े करके उसमें ये डालना है कम से कम 5 लीटर जो आप इसको ड्रम में मिलाएंगे। और इस दवा की एक खासियत और है, ये लगभग 3 दिन तक आपने बंद करके किसी छायादार जगह में रखना है, 3 दिन तक इस दवा को यूज नहीं करना है। अब जो ये दवाई है इसका प्रोसेसिंग होगा और इसके रिजल्ट आप लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है बागवानी के लिए हमें रूट बोरर की इतनी समस्या है हमारे इधर कि भाई रूट बोरर से हम निजात ही नहीं पा सकते। कईयों ने तो पेड़ लगाने छोड़ दिए रूट बोरर के चक्रों में कि भाई बोरर है हमारे तो सेब होंगे नहीं, वो नाशपति पे जा रहे हैं, नाशपति पे कीड़ा नहीं लगता। इसलिए मैंने उन बागवान भाइयों के लिए ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस अपनी प्रैक्टिस शेयर की है। निराश मत हो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज का समाधान है। बट हम टोटली ऑर्गेनिक करते हैं, हम कोई भी आप थीमेट में बोरर को रख लो, कोई भी केमिकल दवा में बोरर रख लो, वो उसका यूज टू हो गया है, वो उसका आदि हो गया है, वो मरता नहीं है। तो जो ये दवा हमने बनाई है, मैंने बनाई है, एटलीस्ट मेरे को 1.5 से 2 साल इसका यूज करते करते हो गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो रूट स्टॉक का बगीचा है वो अभी तक बोरर फ्री है, 90% बोरर फ्री है। तो आप देख सकते हैं ये दवा जो है ये उबलने की तैयारी में है, ये उबलेगी। हमने इसमें आंच जो है वो ठीक रखनी है ताकि इसकी जो स्मेल है दोस्तों वो बर्दाश्त से बाहर है। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही हार्मफुल, बहुत तीखी, बहुत तेज स्मेल है। तो ये दवा है, आपको कुछ नहीं करना है, आधा किलो लहसुन, मतलब आपको 2 ड्रम के लिए ये दवा है, आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च तेज वाली, पर क्योंकि आजकल सीजन नहीं है तो आप लाल मिर्च, अपनी लोकल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और तंबाकू आधा किलो के लगभग, आधा किलो के लगभग तंबाकू, नहीं तो अगर अगर आपके पास पत्ते वाला हो तो आधा किलो, अगर पत्ते वाला नहीं है तो आप 2 पैकेट यूज कर सकते हैं, आप 2 पैकेट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डालना है आपको नीम ऑयल, नीम ऑयल के बाद आपने इसको अच्छे ढंग से बॉयल करना है। आपने बॉयल करने के बाद 3 दिन तक ये दवा आपने ठंडी करने को रख लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे जहां बोरर होगा, मेरे को फीडबैक जरूर करना अगर आपको ये दवा पसंद आई हो या इसके रिजल्ट आपको अच्छे पॉजिटिव लगेंगे, तो आपने इसको मेरे को फीडबैक जरूर करना। और ये जो दवा है इसको मैं बोरर का रामबाण इलाज मानता हूँ। एकदम से तो देखिए कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती, हम सोचेंगे आज ये दवा डाली, आज ही हमारा बगीचा बोरर फ्री हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, इसकी एप्लीकेशन आपको साल में कम से कम 3 बार देनी पड़ेगी। अभी मार्च में दे दी, फिर आगे दिसंबर में दे दी, ये क्या बोलते अगस्त से पहले दे दी, फिर आप दिसंबर में इसको दे सकते हैं। ये जो है इसका प्रोसेसिंग में अभी 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से ये बॉयल होना चाहिए। बॉयल होने के बाद ये दवा जो है ये बोरर का रामबाण इलाज है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो के माध्यम से आप लोग सेटिस्फाई होते हैं, आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट लगता है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मोहित सिंह चौहान ऑर्चिडिस्ट नाम से मेरा चैनल है, इसको आप यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो एक रूट बोरर की समस्या का जो मैंने समाधान ढूंढने की कोशिश की है ये औरों तक भी पहुंचे, और आप जो है मेरे चैनल से
ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मैं अपना जो भी मैं कुछ करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, जो भी मैं करता हूँ अपनी प्रैक्टिस वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और ये अपने चरम पर है, बस इसमें 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा। जैसे ये बॉयल हो जाएगा आपको मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार से उतार के साइड में छायादार जगह में रखना है ढक्कन लगा के। इसमें लगभग इसीलिए दोस्तों गऊ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, गऊ का हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, ना गोबर ना दूध ना गौमूत्र, सब काम में आता है, सब बगीचों में आता है। इसकी जो स्मेल है दोस्तों बस वो बर्दाश्त से बाहर है, वो बहुत ही तेज स्मेल है, इसकी स्मेल जो है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और मैं होप करता हूँ आप सभी से कि ये जो दवा है ये आपको खुश कर देगी, और अगर आपने अच्छी तरह से ये बनाई, अच्छी तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया तो आपका बगीचा बोरर फ्री निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर बोरर फ्री बगीचा होगा। ये जो दवा है इसको बनाने में आप देखिए क्या खर्चा है, ये 1/2 किलो लहसुन, 1/2 किलो हरी मिर्च, तंबाकू, नीम ऑयल, बस 1/2 किलो लहसुन, 1/2 किलो हरी मिर्च, नीम ऑयल है ना, और तंबाकू, और आपका गौमूत्र। गौमूत्र आप अपने बर्तन के हिसाब से डालिए, जितना बड़ा बर्तन आपके पास है। अगर आप जो है 20 लीटर बनाना चाहते हैं तो आप जो है 2 किलो करेंगे, आप रेशो अपना मिर्च का बढ़ाएंगे और लहसुन का बढ़ाएंगे। इतनी सिंपल विधि है और इतने कम पैसे में जो है ये विधि है, इसमें कुछ नहीं है, आपको हजारों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे बोरर के लिए, आप घर बैठे ही बोरर का समाधान कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो बनाने का हमेशा ही मेरा माध्यम ये रहता है कि जैसे मैंने भी सीखा आप लोग भी सीखिए और इंस्पायर होइए, तो यही मेरी कोशिश दोस्तों आपसे रहती है। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा और फिर आपसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ आपको नई अपडेट देंगे जो मैं करता हूँ, क्योंकि चैनल को पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए नहीं मैं कुछ कर सकता, जो भी मैं करूँगा आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो दवाई है ये सब मेरे ख्याल इस दवा की ज़रूरत हमारे हर एक बागवान को है जो सेब की खेती करता है, रूट बोरर की समस्या हर एक बागवान को है, तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का इतना सा ही कारण था। अब ये देखिए ये अभी टाइम लेगा, ये अभी टाइम लेगा, ये अभी उबाल इसमें आ रहा है, ये पूरा टाइम लेगा, अभी जब ये बिल्कुल उबल जाए फिर आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही इसका ये आप देख सकते हैं कि ये अभी बॉयल होने की प्रोसेसिंग में है, अभी ढंग से ये बॉयल हुआ नहीं है। मैं आपको कुछ दिन के बाद खाद के बारे में भी बताऊंगा, खाद भी हम बनाते हैं, खाद भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं।